दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग, जैसा कि पहले से जानकारी है, संघ की कार्यपालिका नामक टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति पद के बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा किया हुआ है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रधानमंत्री के पद, उसके कार्य शक्तियाँ और अन्य प्रकार के जो है कार्यों को देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इस पद के स्वरूप को समझने के लिए भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था के स्वरूप को समझना आवश्यक है कि भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है और संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका दो भागों में बटी हुई होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरा वास्तविक कार्यपालिका। एक संवैधानिक कार्यपालिका होती है और दूसरी कार्यकारी कार्यपालिका होती है। संवैधानिक कार्यपालिका या इसी तरीके से नाममात्र की कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के द्वारा जहां किया जाता है, वहीं पर वास्तविक कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, जो व्यवहार में वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। तो इस तरीके से इस बात को समझ लेना आवश्यक है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद ही भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की नीतियों के क्रियान्वयन, कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण इत्यादि के लिए व्यवहार में वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के पद का उल्लेख अनुच्छेद 75 के अंतर्गत किया हुआ है। तो इसके पूर्व में हम 74 में किए गए प्रावधान के बारे में भी चर्चा करना उचित समझते हैं, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उसको प्रधानमंत्री से मंत्रिपरिषद के द्वारा परामर्श दिया जाएगा और उस परामर्श के आधार पर प्रधानमंत्री के द्वारा निस्तारण किया जाता है। तो इस तरीके से भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद एक महत्वपूर्ण पद है। तो अनुच्छेद 74 के अंतर्गत आर्टिकल 74 के अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान या जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है और सामान्य स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे वह एक मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए सलाह के अनुसार किया जाएगा। यहाँ पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए सभी परामर्श को मानना बाध्यकारी है। तो ऐसे संदर्भ में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी में एक परिवर्तन किया गया और इसमें कहा गया है कि जब भी कोई परामर्श एक बार राष्ट्रपति को दिया जाएगा, यदि राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए भेजता है, तो एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने पर विचार करने के बाद जब पुनः जो है वो प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा तो दूसरी बार राष्ट्रपति को उस प्रस्ताव को स्वीकार करना होगा। तो ऐसी स्थिति में ये बात किसी न किसी रूप में सिद्ध होती है कि भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था में प्रधानमंत्री से मंत्रिपरिषद का जो कार्य है, जो उसकी स्थिति है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहीं न कहीं शक्तिशाली है और व्यवहार में वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। तो और इसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि संविधान एवं राज व्यवस्था के विभिन्न प्रकार के प्रावधानों के संदर्भ में, दायित्वों के संदर्भ में, मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिए जाएंगे उसे न्यायिक समीक्षा से परे रखा गया है, यानी कि न्यायिक समीक्षा के दायरे में उसे नहीं लाया गया है। तो कहने का मतलब यह है 75 के बाद आर्टिकल 74 के बाद आर्टिकल 75 में इसमें मंत्रिपरिषद के व्यवस्था की गई है और इसी में प्रधानमंत्री के पद की भी व्यवस्था की गई है और यहाँ पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस बात का प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 75(1) में इस तरीके की जो व्यवस्था की गई है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उत्पन्न होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति के द्वारा उसी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है जिसे उस चुनाव के बाद लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है।
अर्थात यहाँ पर राष्ट्रपति की भूमिका अत्यंत ही सीमित होती है और उसे लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। एक ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जब लोकसभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, तो उस स्थिति में प्रधानमंत्री के द्वारा किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और व्यवहारिक स्थिति ये होती है कि राष्ट्रपति के द्वारा उस पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है जो लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आती है। ऐसी स्थिति को जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त हो, उसे भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था में त्रिशंकु की स्थिति कहा गया है। त्रिशंकु की स्थिति कहा गया है अर्थात ऐसी स्थिति में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है और वहां पर राष्ट्रपति का विवेक महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि इस बात की अपेक्षा राष्ट्रपति से की जाती है कि वो अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ऐसे पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करे जो एक निश्चित समय के अंतर्गत सदन में अपने बहुमत को सिद्ध कर सके। सामान्यतः इसके लिए जो एक महीने का समय भी दिया जाता है और वहां पर सदन में जो है अपने बहुमत को सिद्ध करते हैं, जिसे फ्लोर टेस्ट भी कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के नियुक्ति और गठन इत्यादि का जो प्रावधान किया गया है, इसी अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि मंत्री जो होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं, उसे पद से हटा सकते हैं, लेकिन यहां पर यह ध्यान में रखना होगा कि राष्ट्रपति स्वयं अपने द्वारा लिए गए निर्णय से ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा वो कैबिनेट या प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए परामर्श के आधार पर काम करेंगे। सामान्यतः यहां पर यह है कि मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए परामर्श के आधार पर ही वो किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। और एक ऐसी व्यवस्था होती है जब संसद के दोनों सदनों के द्वारा किसी अर्धन्यायिक प्रक्रिया को अपना करके किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित प्रक्रिया के रूप में पद से हटाया जाता है, तब वहां पर यह नहीं कहा जा सकता कि वो प्रसाद पर्यंत होगा। लेकिन चूंकि भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था में जैसे राज्यपाल का पद है, इसी तरीके से महान्यायवादी का पद है, तो ये सारे ऐसे पद हैं जिन जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें बर्खास्त किया जाता है। लेकिन व्यवहार में हमेशा यही होता है कि उसे बर्खास्त करने के संदर्भ में सेंट्रल कैबिनेट उनको परामर्श इस कार्य के लिए देती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है कि ये मंत्रियों की जो नियुक्ति करते हैं और मंत्री उनके प्रसाद पर्यंत जो अपने पद पर बने रहते हैं। इसी तरीके से 75(3) ये सबसे इंपॉर्टेंट खंड है, अनुच्छेद है, जिसमें कहा गया है कि सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था की गई है कि मंत्रिपरिषद अपने समस्त कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। सामूहिक रूप का यह सामूहिक शब्द का अर्थ यह है कि यदि एक भी मंत्री किसी भी विश्वास को हासिल करने में असफल होता है, तो वहां पर पूरे मंत्रिपरिषद यानी कि सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है और उसे अपने पद से हटना पड़ता है। इसी को कहा जाता है सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था। और यह जो है लोकसभा के प्रति ही होता है, संसद के प्रति नहीं होता है। सवाल परीक्षा में कई बार इस तरीके से पूछा गया है जिसमें दोनों ही स्थिति आती है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, वहां पर संसद का भी विकल्प होता है और लोकसभा का प्रति। हमेशा आपको लोकसभा के प्रति या लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होने वाले विकल्प को ही टिक लगाना है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वो जनता का सदन होता है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं और जनता का प्रतिनिधित्व करने के कारण से
ये मंत्री उन्हीं के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऐसा करके इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि कहीं ना कहीं सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य जनता से चुनकर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में 3 के अंतर्गत सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन किया गया है। इसी में यह भी व्यवस्था की गई है 4 के अंतर्गत पद की गोपनीयता का भी शपथ इनको ग्रहण करना पड़ता है। और 5 में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी न किसी सदन का सदस्य होता है, और यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे छह माह के अंतर्गत दोनों में से किसी न किसी एक सदन का सदस्यता लेना होता है, आने वाले चुनाव में, चाहे राज्यसभा में या लोकसभा में उसे सदस्यता ग्रहण करना पड़ता है। अन्यथा की स्थिति में वो मंत्री के पद पर नहीं रह सकता है, मंत्री के पद से उसे हटना पड़ता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहां पर यह व्यवस्था की गई है कि वह मंत्री 6 माह तक ही मंत्री रह सकता है, जबकि वह दोनों सदनों में किसी न किसी सदन का सदस्य ना हो, और 6 माह के अंतर्गत उसे किसी न किसी सदन का सदस्यता ग्रहण करना पड़ता है। तो इस तरीके से आर्टिकल 74 के अंतर्गत जहां पर यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान या मुखिया प्रधानमंत्री होता है, और राष्ट्रपति के द्वारा उसके सलाह और परामर्श के आधार पर सामान्य परिस्थिति में काम किया जाएगा। 44वें संविधान संशोधन में कुछ इस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए एक बार मौका देने की बात कही गई है। और 75वें प्रधानमंत्री से मंत्रिपरिषद के गठन, उसके सदन के संदर्भ में सदस्यता इत्यादि का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। ये रही व्यवस्था सहायता और सलाह देने के संदर्भ में मंत्रिपरिषद की आवश्यकता और 75वें मंत्रिपरिषद के गठन इत्यादि की व्यवस्था। अब हम लोग चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री की जो भूमिका इत्यादि के संदर्भ में जो एक महत्वपूर्ण स्थिति बनती है, अनुच्छेद 77 में ये प्रावधान किया गया है कि संघ सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए गए माने जाएंगे। राष्ट्रपति के नाम से किए हुए माने जाएंगे। क्योंकि 77 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि संघ सरकार के कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए गए माने जाएंगे, ऐसी स्थिति में 78 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति संघ सरकार के जो भी कार्य होंगे उसके संदर्भ में, चाहे वो विधान से संबंधित हो या प्रशासन से, दोनों के ही संदर्भ में बातें कही गई हैं कि विधान से संबंधित हो या प्रशासन से संबंधित हो, इन दोनों के संदर्भ में जो भी कार्य, जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसके संदर्भ में राष्ट्रपति को सूचना दिया जाएगा। इसलिए क्योंकि समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा संविधान में प्रावधान किया गया है। इसीलिए प्रधानमंत्री के द्वारा अनुच्छेद 78 के अंतर्गत विधान या प्रशासन के संदर्भ में जो भी कार्य किए जाएंगे, जो भी निर्णय लिए जाएंगे, इसकी सूचना राष्ट्रपति को दिया जाएगा। और दूसरी बात इसी में यह भी कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो विधान या प्रशासन के संदर्भ में संघ सरकार से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसी अनुच्छेद में सूचना के संदर्भ में व्यवस्था की गई है, और इसी में कहा गया है कि यदि कोई एक मंत्री के द्वारा कोई निर्णय लिया गया है तो यह पूरे मंत्री परिषद के समक्ष इसको रखने के लिए बात कह सकते हैं। तो इस तरीके से राष्ट्रपति ये बात जानने का प्रयास कर सकते हैं और जान सकते हैं कि विधान या प्रशासन के संदर्भ में सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, क्या प्रगति है, किसी भी विधान में कोई देरी अगर हो रही है तो उसकी सूचना मांगी जा सकती है, और प्रधानमंत्री के ये दायित्व बनते हैं कि वो इसके संदर्भ में समस्त सूचना राष्ट्रपति को सही प्रारूप पर, सही समय पर उपलब्ध करवाएं। तो इस तरीके से देखा जाए तो राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री बहुत ही नजदीक से जुड़े हुए हैं, और देश की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण रोल होता है, और दोनों ही पद एक साथ साथ चलते हैं, लेकिन औपचारिक, संवैधानिक और विधिक
जो भी शक्तियां होती हैं कार्यपालिका की वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, किंतु किंतु व्यवहार में और वास्तविक रूप से इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद सहित प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यहां पर एक सवाल कभी कभी बनता है कि कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। चूंकि जब कहा जाता है कि कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है तो इसका तात्पर्य है यह एक औपचारिक शब्दावली के संदर्भ में कहा जा रहा है, और औपचारिक रूप से शक्तियां कहां में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है, अर्थात इस सवाल का उत्तर जो है वो राष्ट्रपति होगा। लेकिन अगर यहां पर यह कहा जाए कि वास्तविक आवली कार्यकारी वास्तविक शक्तियां जो हैं किसमें निहित है, तो यह होगा प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में यह यूज होता है। अगर केवल इतना कहता कार्यकारी शक्तियां तो यह राष्ट्रपति हो जाएगा, क्योंकि कार्यकारी का तात्पर्य कार्यपालिका से हो गया। लेकिन यह कहता है कि वास्तविक कार्यकारी शक्तियां, वास्तविक कार्यकारी शक्तियां किसके पास है, तो यह हो जाएगा प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद। तो इस तरीके से आपको यह ध्यान में रखना है कि प्रश्न में उसे कहने का भाव क्या है, और ऐसे सवालों को हल करने के दौरान आप लोग प्रश्न पत्र के अंग्रेजी वर्जन को आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि कई बार हिंदी में कंफ्यूजन होता है तो इससे वहां पर स्थिति अस्पष्ट हो जाती है, और वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में निहित होती है। तो ये थी प्रधानमंत्री के पद की नियुक्ति और उसके संदर्भ में प्रधानमंत्री की भूमिका, जो कि सूचना और विभिन्न प्रकार के कार्यों के संदर्भ में राष्ट्रपति को देनी होती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां। प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां, प्रधानमंत्री के कार्यों शक्तियां, संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति होती है। देश के समस्त नीतियों के निर्माण और लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए अंतिम रूप से व्यवहार में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद ही उत्तरदायी होती है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री की बहुआयामी भूमिका होती है, और मंत्रिपरिषद के संदर्भ में इनकी जो भूमिका को हम देखते हैं, किसी भी टॉपिक को तैयार करने का ये एक सही तरीका है कि उसके जो भी आयाम हो, जिन आयामों से वो जुड़ा हो पद और जिन आयामों के संदर्भ में उसकी भूमिका हो, उसे हम पॉइंट वाइज जो है तैयार करें। तो मंत्रिपरिषद के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यही है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन मंत्रिपरिषद के अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए परामर्श के आधार पर किया जाता है। तो मंत्रिपरिषद के अन्य सभी मंत्रियों को नियुक्त करने के लिए परामर्श देने का कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। उन सभी मंत्रियों में विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, और उन मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। उन बैठकों की व्यवस्था, उनमें सामंजस्य, निर्णय इत्यादि में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसके साथ साथ एक बात यह भी समझना आवश्यक है कि यदि किसी भी मंत्री के कार्य व्यवहार से प्रधानमंत्री संतुष्ट नहीं है तो वह उन्हें बर्खास्त करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकते हैं, और राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। जैसा कि पूर्व में अनुच्छेद 75(2) के अंतर्गत यह बताया गया कि सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, तो यहाँ पर इसका तात्पर्य इसी से है कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो परामर्श दिए जाएंगे उसके आधार पर वो किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं यदि वो उसके कार्य व्यवहार से संतुष्ट नहीं है। तो इस तरीके से मंत्रिपरिषद के संदर्भ में प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और राष्ट्रपति की जो भी भूमिका होती है वो केवल औपचारिक और प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट के द्वारा दिए गए निर्णय के अंतर्गत होती है, मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए निर्णय के अंतर्गत होती है। दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका है संसद के संदर्भ में,
संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कानून का निर्माण करना। देश में जो भी कानून बनते हैं वो कार्य संसद के द्वारा किया जाता है। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह समझना है कि कानून बनने की प्रक्रिया में वहां पर प्रस्ताव लाए जाते हैं। प्रस्ताव किसी मंत्री के द्वारा लाया जा सकता है या विपक्ष की किसी पार्टी के द्वारा लाया जा सकता है, दोनों के द्वारा ही लाया जा सकता है। किंतु जब मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो वही सरकारी संकल्प या प्रस्ताव कहलाता है, और जब किसी विपक्ष के जो है विपक्ष के जो है सांसद के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। और चूंकि सदन में लोकसभा में सरकार का जो बहुमत होता है, लोकसभा में उसी पार्टी का बहुमत होता है जो सरकार में होता है, तो ऐसी स्थिति में जो सरकारी विधेयक होते हैं उनके पास होने की ही संभावना होती है क्योंकि उनकी सदस्य संख्या ज्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में सामान्यतया विभिन्न विषयों पर जो आवश्यक होते हैं उस पर कानून बनाने के लिए विधेयक जो है विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, और एक विधेयक जो है संसद के द्वारा पारित करने के बाद और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद कानून बनते हैं। तो यहां पर जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं उसमें भी प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और वो सदन में अध्यक्षता भी करते हैं, सदन में बैठते भी हैं, उसके महत्वपूर्ण जो विधेयकों को पारित करने में और प्रस्तुत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि वो लोकसभा में बहुमत की जो पार्टी होती है उसके ऑलरेडी नेता होते हैं। तो इस तरीके से संसद में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगले टॉपिक पर हम लोग आते हैं, राष्ट्रपति के संदर्भ में। राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति और संसद के बीच में एक कड़ी के रूप में भूमिका अदा की जाती है। प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति और संसद के संदर्भ में एक कड़ी की भूमिका के रूप में भूमिका अदा की जाती है। कोई भी मंत्री राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं तो वहां पर राष्ट्रपति की भूमिका, प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसी तरीके से राष्ट्रपति के संदर्भ में अनुच्छेद 78 के अंतर्गत एक व्यवस्था की गई है जिसका कि पूर्व में उल्लेख किया गया कि शासन प्रशासन के संदर्भ में कोई भी निर्णय लिया जाता है तो उसकी सूचना सामान्यतः राष्ट्रपति को दिया जाता है, और राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी कार्य के संदर्भ में, किसी भी कार्यपालिका या विधान के संदर्भ में कोई सूचना प्राप्त करना आवश्यक है, जानकारी लेना आवश्यक है, तो उस समय भी वो जानकारी मांग सकते हैं, और इस सभी कार्य की सूचना देने की भूमिका प्रधानमंत्री की होती है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति के संदर्भ में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगला जो टॉपिक है, विभिन्न प्रकार के आयोगों और समितियों के भी अध्यक्ष होते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि देश के वास्तविक कार्यकारी शक्तियों के प्रमुख होते हैं, देश की जो भी व्यवस्था होती है और उसके लिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री सहित उनकी टीम जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी होती है। ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण आयोग और समितियों के इन्हें अध्यक्ष भी बनाया गया है। तो आयोग और समिति के अध्यक्ष के संदर्भ में, आयोग और समिति के अध्यक्ष के रूप में भी ये कार्य करते हैं। जैसे इसमें नीति आयोग जो कि सबसे लोकप्रिय आयोग है, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। इसी तरीके से राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, इसी तरीके से अंतरराज्यीय जल आयोग, और इसी तरीके से गंगा विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण, ये सारे आयोगों की अध्यक्षता राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और इस बात की अपेक्षा की जाती है कि इसमें वो समन्वय के रूप में और नेतृत्वकर्ता के रूप में भूमिका अदा करेंगे ताकि यह संगठन, आयोग और समिति अच्छे तरीके से कार्य कर सके और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हो सके। देश के प्रशासक के रूप में भी इनकी भूमिका होती है। प्रशासक के रूप में इसलिए भूमिका होती है कि देश में जो नीतियों का निर्माण किया जा रहा है, पॉलिसी मेकिंग के रूप में सरकार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, पॉलिसी मेकिंग और उसका क्रियान्वयन,
इनके द्वारा किया जाता है और क्रियान्वयन में नौकरशाही इनकी मदद करते हैं। नौकरशाही के अंतर्गत पूरी एक हायरार्की होती है जिसमें जिला प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करता है। तो नीतियों का निर्माण किया जाता है और इसीलिए जो है नौकरशाही को अस्थाई कार्यपालिका भी कहा जाता है, क्योंकि उसका एक पूर्णकालिक होता है पद और वो अपने रिटायरमेंट एज तक कार्य करती है। और कार्यपालिका जो है जो सरकार के रूप में होती है, मंत्रिपरिषद के रूप में होती है, वो अस्थाई कार्यपालिका होती है और एक निश्चित समय के लिए सामान्यतः 5 वर्ष के लिए काम करती है। तो नीतियों का निर्माण करना और उसका नौकरशाही के माध्यम से पूरे देश में क्रियान्वयन करने के रूप में भी प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, संसद के संदर्भ में, राष्ट्रपति के संदर्भ में, विभिन्न प्रकार के आयोग और समितियों के अध्यक्षता के संदर्भ में और राष्ट्र प्रशासक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में उसकी भूमिका रेखांकित की जाती है और ये माना जाता है कि वो एक टीम के रूप में मंत्रिपरिषद के द्वारा देश के शासन संचालन को जमीन पर संचालित करने के लिए जिम्मेदार है और उससे अपेक्षा की जाती है कि सभी में समन्वय स्थापित करते हुए देश में एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए रेंजे मूर के द्वारा इसे राज्य रूपी जहाज का मल्लाह कहा गया है। प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जहाज का मल्लाह कहा गया है और जेनिंग्स के द्वारा प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद रूपी सौरमंडल का एक सूर्य के रूप में दर्जा दी गई है जिसके चारों तरफ मंत्री रूपी ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं। तो इस तरीके से रेंजे मोर और जेनिंग्स ने भी इसके संदर्भ में इसके महत्व को रेखांकित किया है और माना है कि एक संसदीय शासन प्रणाली वाले देश में प्रधानमंत्री की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस तरीके से आज के इस टॉपिक में आप लोगों ने विभिन्न प्रकार के तथ्यों के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में क्या संबंध होते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 74 के अंतर्गत ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और सामान्य स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के नाम से काम तो किए जाते हैं किंतु व्यवहार में इन शक्तियों का उपभोग प्रधानमंत्री से मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है और उसके अनुसार राष्ट्रपति को कार्य करना होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री की नियुक्ति और राष्ट्रपति के संदर्भ में उसकी क्या भूमिका होते हैं सूचना के संदर्भ में और अन्य कार्यों के संदर्भ में, तो इसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया और प्रधानमंत्री की भूमिका को एक अवधारणात्मक रूप में समझने का प्रयास किया, क्योंकि इससे मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में प्रधानमंत्री से संबंधित टॉपिक को हम लोगों ने पूरा किया और अगले लेक्चर में हम लोग मंत्रिपरिषद की जो है संरचना, मंत्रिपरिषद के कार्य इत्यादि को देखने का प्रयास करेंगे। तो इस टॉपिक के साथ साथ आप अपने पूरे सिलेबस का बेहतर दिशा में मेहनत के साथ अध्ययन करने का प्रयास कीजिए और पुनः हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।